सब्सक्राइब करें डीबीए गेमिंग को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट गेमिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं और साथ में दिखाने वाला भी हूं टॉप 3 वेस्ट 4 फिंगर्स क्लो सेटिंग। और गाइस, ये जो सेटिंग है ये बहुत सारे प्रो प्लेयर्स और यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी प्रो प्लेयर्स की तरह क्लो सेटिंग का यूज कर सकें। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर 1 क्लो सेटिंग यह है। गाइस, इस क्लो सेटिंग में हम फायर बटन को लेफ्ट के टॉप में रखेंगे और गाइस जो स्कोप बटन है उसको राइट के टॉप में रखेंगे, और गाइस जो पीक एंड फायर बटन है उसको स्कोप के नीचे रखेंगे, और गाइस जंप, स्लीप और बैठने वाला बटन को हम लोग गाइस राइट साइड में ही रखेंगे। और गाइस, हम लोग जो एक बटन रहता है गाइस जिससे आपका कैरेक्टर रन करता है वो जो बहुत छोटा रहता है उसको गाइस हम लोग बड़ा करके लेफ्ट साइड में रखेंगे जिससे आप बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है कि किस तरह से आप किस एरिया का यूज करेंगे। तो गाइस, इससे आप अपना सेटिंग को वैसे ही कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस, हमारा दूसरा नंबर पर जो सेटिंग है वो यह है। तो गाइस, ये जो नंबर 2 वाला सेटिंग है गाइस, ये मेरा भी फेवरेट है। तो गाइस, इसमें भी हम लोग फायर बटन को ऊपर रखेंगे और स्कोप को गाइस राइट साइड के टॉप में रखेंगे, और जो पिक एंड फायर बटन है गाइस उसको हम लोग स्कोप के ही साइड में रखेंगे गाइस, राइट के टॉप के साइड में, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और गाइस, बाकी सब बटन को भी हम लोग जैसे स्क्रीन पर प्लेस किए हैं वैसे ही प्लेस करेंगे। तो गाइस, आप स्क्रीन पर देख के अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे इसे यूज करना है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला भी सेटिंग अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सेटिंग की ओर। तो गाइस, जो नंबर 3 पर हम लोग का क्लो सेटिंग है ये वन ऑफ द बेस्ट क्लो सेटिंग है गाइस। इसको 90% प्रो प्लेयर्स और सारे यूट्यूबर गाइस इसी क्लो सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, इसमें हम लोग लेफ्ट साइड के टॉप में फायर बटन रखेंगे, और गाइस राइट साइड के टॉप में हम लोग स्कोप, लीन, जंप एंड प्रोन बटन गाइस यहीं पर रखेंगे। और गाइस, जो हम लोग का राइट साइड का डाउन है उसका हम लोग गाइस एमिंग के लिए यूज करेंगे, और गाइस जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग गाइस अपना मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि गाइस हम लोग कौन से बटन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमें उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।